लेबनान में इजरायली सेना हिजबुल्ला के ऊपर कहर ढा रही है। आईडीएफ के हमलों में हिजबुल्ला के ठिकाने एक के बाद एक ताश के पत्ते की तरह ढह रहे हैं और अब आईडीएफ की नजर हिजबुल्ला के उन ठिकानों पर है जहां पर उसने हथियारों का जखीरा छिपाकर रखा है। लेकिन ऐसा लगता है कि हिजबुल्ला की जड़ों तक पहुंच पाना आईडीएफ के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिजबुल्ला को बचाने के लिए अब इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समूह भी इस जंग में कूद पड़े हैं। दरअसल इराक के प्रतिरोधी समूह का दावा है कि उसने कब्जे वाले फिलिस्तीन में आईडीएफ के 3 ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। प्रतिरोधी समूह के मुताबिक उसने गोलन हाइट्स के साथ साथ इलात में 2 ड्रोन हमले किए और इसके बाद केंद्रीय कब्जे वाले फिलिस्तीन में उसने 1 ड्रोन अटैक किया। इस हमले के साथ साथ इराक से सीरियन गोलन हाइट्स में भी 1 ड्रोन फायर किया गया। इन हमलों से पहले 22 अक्टूबर 2024 को इराकी समूह ने तबारैया में आईडीएफ के एक अहम ठिकाने पर ड्रोन हमला किया। आपको बता दें कि इस अटैक के बाद इराकी प्रतिरोधी समूह ने इस हमले का वीडियो भी रिलीज किया है और इस हमले के बाद जॉर्डन वैली में भी प्रतिरोधी समूह ने एक ड्रोन हमला किया। प्रतिरोधी समूह का कहना है कि इस हमले के बाद उसने शाम होते होते सीरियन गोलन हाइट्स में आईडीएफ के ठिकाने पर एक ड्रोन अटैक किया। बड़ी बात यह है कि जब इराक से इसराइल पर यह हमले हो रहे थे तो उसी दौरान सीरिया के भीतर अमेरिकी सेना पर भी एक बहुत बड़ा हमला हुआ। लेबनानी न्यूज एजेंसी अलमयादीन के मुताबिक पूर्वी सीरिया के डी एजोर के कोनको गैस फील्ड में अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट्स का एक जत्था फायर किया गया। अलमयादीन के मुताबिक इनमें कम से कम 4 रॉकेट अपने टारगेट पर जा गिरे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना के सूत्रों ने भी बड़े धमाकों की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में कोनको गैस फील्ड बेस के रडार स्टेशन को निशाना बनाया गया और जैसे ही इस हमले की खबर सामने आई उसके तुरंत बाद अमेरिका ने यूफ्रेट्स नदी के पूरब में बसे 7 गाँवों में हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने हल्ता, मराद, काशाम गांव और हुवाईजात साकर और हुवाईजात अल मुरैया पर एक एयर स्ट्राइक की। आपको बता दें कि अमेरिका के लिए इराक और सीरिया रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है और यही वजह है कि इराक में अमेरिका के करीब 2,500 सैनिक और सीरिया में कम से कम 900 सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ने इस इलाके में आतंकी संगठन दाइश से लड़ने के लिए यहां पर अपनी सेना तैनात की है और अमेरिकी सेना पर हमले से पहले उसने उत्तरी सीरिया के राकाह प्रांत के शनानी गांव पर हमला किया जिसमें कथित रूप से 4 सीरियाई लोगों की मौत हो गई थी।